कश्मीर पर रोते पाकिस्तान की चीख अब साजिशों में बदल गई है। दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर रोने बिलखने के बाद जब पाकिस्तान को कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो वो आतंकियों की मिलीभगत से भारत और भारत के संबंधित चीजों को नुकसान पहुंचाने में जुट गया है। हाल ही में जम्मू एयरबेस पर हुआ ड्रोन अटैक पाकिस्तान की साजिशों का एक उदाहरण है। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका, जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद ही जम्मू में कुछ और ड्रोन देखे गए थे। ये घटना अभी पुरानी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत कर डाली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के भीतर ड्रोन देखा गया। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पाकिस्तानी सरकार से इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इस्लामाबाद के समक्ष कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। खैर, पाकिस्तान की हरकतें हमेशा से ही ऐसी रही हैं। भारत के खिलाफ उसकी साजिशों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कभी आतंकी हमले तो कभी ड्रोन अटैक, कभी सीमा पर फायरिंग तो कभी आतंकी घुसपैठ। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों की लिस्ट बड़ी लंबी है और लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चालबाजियों को उजागर भी किया है, लेकिन इस बेशर्म पाकिस्तान को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी आतंक परस्ती दुनिया के सामने उजागर है, लेकिन पाकिस्तान को जैसे कोई परवाह ही नहीं। हालत यह है कि अपने कर्मों की वजह से वो FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंच चुका है। विदेशों से मिलने वाले कर्ज भी बंद हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो भारत में अस्थिरता पैदा कर सके, आतंकी हमले करवा सके। वो आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता ताकि भारत में बम विस्फोट और आतंकी हमला हो सके। लेकिन सीमा पर और देश के अंदर मुस्तैद सुरक्षा बलों की वजह से वो अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाते और मारे जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। वो चीखता है, चिढ़ता है और चिल्लाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। भारत ने दशकों से पाकिस्तान की गलतियों को माफ किया है, उसे सुधरने का मौका दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने में जरा सा भी बदलाव नहीं किया। आतंकवाद को पनाह देना और आतंकी हमले करवाना पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा काम हो चुका है, लेकिन उसे अब भारत के खिलाफ अपनी हरकतों को काबू करना होगा, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।